हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरशिप ट्यूटर। इस चैनल के माध्यम से आपको NMMS एग्जाम से जुड़ी और अन्य स्कॉलरशिप के बारे में भी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। वीडियो में हम जानेंगे कि NMMS एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS 2022 से 23 सत्र के लिए पूर्ण रूप से निर्देश जारी कर दिया गया है। पूरे भारत लेवल पे जितने भी राज्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं NMMS एग्जाम के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं NMMS 2022 से 23। तो इस वीडियो में हम जल्द से जल्द ये जानते हैं कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा जिससे आप NMMS परीक्षा में पास कर पाएँ। और आपको बता दें कि अगर आप इस एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं, जो हम आपको नंबर बताने वाले हैं, उससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक निर्देश आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का स्वरूप, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तो भी देख लीजिए, और दे दिया है फिर भी देखिए। मानसिक योग्यता परीक्षा का आपने एग्ज़ाम दिया होगा या देने वाले होंगे, तो मानसिक योग्यता परीक्षा होता है, इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है, लॉजिकल टाइप, इसमें 90 प्रश्न होते हैं और टोटल 90 नंबर का, और ये इसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटा दिया जाता है लगभग। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट स्कॉलिस्टिक एबिट्यूड टेस्ट, इसमें आपको विषय वस्तु से ही सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इसमें भी टोटल 90 प्रश्न होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको डेढ़ घंटे दिया जाते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों सिटिंग का एग्ज़ाम, दोनों पाली का एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, दो दो सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में होगा आपका सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा और सेकेंड सिटिंग में होगा आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षा। एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम आपका ले लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि हम कम से कम कितना मार्क्स लाए या मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके और मैं स्कॉलरशिप की सुविधा प्राप्त कर सकूँ, और ये भी बताऊँगा कि कैसे क्या सुविधा प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने नंबर लाएंगे तो हम पास कर पाएंगे। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम, एक मिनट, सही से आपको दिख रहा हो आशा करते हैं, न्यूनतम अंकांक मतलब कि मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा, यही तो हमको जानना है। मेट और सेट यानी कि दोनों विषय वस्तु में आपको इतना लाना होगा, 40% जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य के लिए 40%, यानी कि आपको पता होगा कि NMMS एग्ज़ाम में 40% यानी कि सबसे पहले 90 प्रश्न इसमें पूछा गया, ठीक है, उसके बाद सेट का पूछा गया 90 प्रश्न, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा 90 प्रश्न और इसमें भी 90 प्रश्न, और सभी हैं एक नंबर के, तो कितने हो गए टोटल 180 नंबर का। 180 का 40% निकाल लीजिए, उतना नंबर कम से कम आपको लाना होगा। और आपको बता दी कि ऐसा नहीं कि आप टोटल 180 में से 180 का 40% ला लिए तो आप पास हो जाएंगे जनरल कैटेगरी से, ऐसा नहीं है, दोनों विषय में आपको 40% लाना होगा, 40%। तो देखिए, 90 का आप 40% निकाल लीजिए तो दोनों का निकल जाएगा, दोनों का 90 ही रहता है, 90 का 40% निकालिए तो आ जाता है आपका 36, ठीक है, 36। तो ये आपका कम से कम नंबर लाना होगा, आपको 36 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, 36 नंबर दोनों विषय में, मेट और सेट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा, दोनों सेटिंग में आपको कम से कम 36 नंबर लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है इंडिया लेवल पर। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 36 नंबर दोनों विषय में अगर आप ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जनरल कैटेगरी का आपको पता चल गया होगा, अब हम OBC और EBC की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, OBC और EBC को, OBC, ठीक है, OBC और EBC, इनको कम से कम लाना होता है 35% नंबर दोनों विषय में, ठीक है, OBC और EBC दोनों को, कितना 35% दोनों सब्जेक्ट में, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा दोनों सिटिंग के विषयों में। देखिए, 35% कितना होता है, 90 का आप 35% निकालिए
उतना आपको नंबर लाना होगा। आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। 00 कट गया, उसके बाद हो जाएगा आपका, काटिए इसको, 10 या 30, कम से कम आपको देखिए 30 नंबर अगर आप ला लेते हैं इसमें, 30-30 नंबर ला लेते हैं OBC और EBC में, 30-30 नंबर, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्ज़ाम में, आसानी से पास कर जाएंगे EBC में, OBC और EBC में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब SC और ST कैटेगरी के लोगों की, SC ST, ठीक है। SC ST इनको केवल 32% मार्क्स लाना होगा दो विषयों में, इन दोनों विषयों में, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा दोनों में। देखिए इनको SC ST को 32%, यानी कि आपको हम बता दे रहे हैं निकाल के, 90 का आप 32% निकालिए, ठीक है, बाय 100, 0 से 0 गया, उसके बाद 10 या 30, ठीक है। ये अगर लगभग 28 नंबर भी ला लेते हैं, 28 से 29 नंबर भी कम से कम दोनों सब्जेक्ट में, तो ये पास हो जाएंगे आसानी से, क्वालिफाई जाएंगे SC ST के, ठीक है, SC एंड ST, ओके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सके, और इस वीडियो को आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि NMMS में पास मार्क्स कितना है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी वेल।